कि तुम अपने मुंह से हमसे जो मांगो वही दे। तो बहुत खुश है कि मालिक थे, मतलब खुश होकर के हमसे कहा जो मांगो हम दे देंगे। दोनों ने यह समाधि में कहा कि हमको छोटा सा राज है। तो फौरन मालिक ने इंद्र के यह मंत्र को दिया। अब ये अब तो ये हो गया कि राजा आपको दिया जाएगा। तो मालिक ने कहा देखो मसाला, हमने ऊपर से नीचे सब उतार दिया और वहां कुछ भी नहीं था, तब नीचे और मैं जीवात्माओं को तुमको देता हूँ दान, तुम उनको आराम से रखना, तकलीफ किसी को मत देना और तकलीफ दोगे तो मैं वापस बुला। तो वहां जो जीवात्माएं थी इस मसाले के अंदर, जो मसाला तो ही दिया तो वो तो नहीं, मसाला नीचे उतार दिया। तो उनसे कहा कि उन्होंने हमने सोलह बच्चों को भेजा तो उन्होंने हमारी सेवा की है, उनकी आराधना की हम खुश होकर। हमने उनसे कहा कि तुम अपने मुंह से हमसे जो मांगो तो दे दो। तो उन्होंने कहा झूठा झूठा था, तो तुम्हारे बगैर मसाले में कोई रचन नहीं हो सकती जो हरकत कर, खाली मसाला जड़ मिला लो तो वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन जब चेतन और जड़ में जब विस्तृत हो जाएगा तो हरकत करेगा। तो तुम जाओ, हम तुमको यहाँ पे भेजेंगे और डोरी हम अपनी टुकड़ी रहने देते भेजेंगे, इसको छोड़ना नहीं, छोड़ोगे नहीं तो वापस आ जाओ। और तुमने डोरी छोड़ दिया तो तुम वहीं रह जाओ। सोलह घड़े जीवात्माओं के रूमों के ये दुष्टों के उन्होंने बात कर दी। इसमें भी अपार, इसमें भी बारह बार, तो इन्होंने सोलह को मार और कहा अपने अपने लोग में मसाला मिला के इनको बैठाओ और तो अपना राज करो। तो मतलब यह है कि यह रचना रचना था जिसको करना था, अब उनको कौन मना करना।